मेरा तू लगता है सामने। मैं तेरा मर्द दूंगा पुष्पा को दर्द, रुको बात करता उससे। हेलो कौन? पुष्पा बोल रहा है। अच्छा तो ये भी बोल किस पे लाइन मारता है? श्रीवल्ली। लेकिन यार वो तो मेरी सेटिंग है। आया तो कर देगा टुकड़े हुए। मेरा टुकड़ा करेगा तुझे तो फ्लावर की तरह पैरों से मसल दूंगा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं फायर है। तू फायर है तो मैं कायर हूँ, जा तेरे लिए चिबल्ली को बुला दिया। मेरा दिल रखने के लिए खाली फुकड़ कर तू झूठ बोल रहा है ना? सच बोल रहा हूँ, चल मेरे दोस्त को पकड़ा था उसे छोड़ दे। उसको तो मैं अभी मार दिया। झूठ मत बोल, वो मेरा लंगटिया यार था। 5 मिनट पहले फोन करने का था ना, लेट कर दिया। दुश्मनी तो मुझसे थी ना, मेरे बेकसूर दोस्त को क्यों मार डाला? एक जान की भूख मिटाने को। क्यों पापी कहीं का बिल्ली खा गया, तुझे बुरा नहीं लगा? भूख न देखे भला बुरा। मेरे दोस्त को खा गया, तुझे तो झुका झुका के मारूंगा। अच्छा पोटी करते समय नहीं झुकता है। वाह पहचान गई मेरी रसमलाई। अच्छा बता भी दो ऐसा क्या बोलता हूँ? बादाम बादाम दादा खा जा बादाम। खाओगी कच्चा बादाम 1 लाख में दूंगा। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। ओ अच्छा फ्री में खाओगी? हेलो कौन? पुष्पा बोल रहा है। तो ये भी बोलो आजकल क्या बेच रहे हो? कच्चा बादाम। कितने में बेचते हो कच्चा बादाम? 1.5 करोड़ में। इतना महंगा 1000 में दोगे? 1000? हाँ। नुकसान हो जाएगा मेरा। पुष्पा गरीब बिल्ली हूँ, सस्ता में दे दो। 2 करोड़। क्या 2 करोड़? तुरंत तो 1.5 करोड़ बोला था। भाव बढ़ गया। इतना जल्दी शेयर मार्केट में बेदाम लगाए हो क्या? मुझ पे रहम करो, कच्चा बेदाम खिला दो। बोला नहीं है मतलब नहीं। झूठ मत बोलो, पैसा तो दे रहा हूँ ना। मैं अपने को चूना लगा रहा है। अच्छा ठीक है मत दो। ये बताओ सिटी बजा के बेदाम बेचते हो? सिर्फ सिटी से काम नहीं बनेगा, डीजे का जोरदार म्यूजिक होगा। वाह क्या सोच है रे तेरी पुष्पा, कैसा गाना होगा सुनाओ। हम भी आज से डीजे बजा के कच्चा बादाम बेचेंगे। क्या क्या बोला? ये की ना मर्दों वाली बात। लेकिन तुम मुझे बादाम नहीं ना दिए हो, तेरा बादाम सर जाए पिल्लू पड़ जाए। ये कौन भौंका? हेलो मैडम जी, मुझे पहचाना? बक बुरबक, हम पुलिस बोल रहे हैं, पुष्पा को जानती हो? छेड़े मुझे तू ना रुके सामे। अब रुकूंगा मैडम जी, कैसे सिरता है पुष्पा, क्या कहता है? जानू वानू जो कहता है। क्या ऐसे बोलता है? पुष्पा को ले जाऊंगा जेल, मुँह में दूंगा दंता तेल। मर्द मेरा तू लगता है सामे। ज्यादा बकवास मत करो मैडम जी, मैं आया तो आपका बाल नोच कर आपको टकली बना दूंगा। अरे सामे आजा सामे। हेलो ये कौन भौंका? ओए हीरो इज्जत से बोलो कौन हो? पुष्पा। अच्छा पुष्पा, लड़की शेरने के लिए दम होना चाहिए। और अभी किसको शेर रहा है? शिवल्ली। ओए पागल क्यों परेशान कर रहा है शिवल्ली को? एक
चुम्मी के लिए? चुम्मी लेना तो गधे भैंस से लो, लेकिन शिवल्ली को भूल जाओ। भाई चुकेगा नहीं। तो क्या शिवल्ली को ही चुमेगा? हरामखोर, नशे में है, पिया है दारू जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है। बहुत दारू पीता है जानता है, मैं पुलिस बोल रहा हूँ, नाम शेदीलाल। सर भूतनी के, अबे सड़े ले। ओए इज्जत से बोल, तू मेरा मुर्गा पकड़ के ले गया था, कहाँ है? उसको तो मैं अब भी मार दिया। क्या तो अब मस्त चिकन बना, मैं लेग पीस खाने आ रहा हूँ। 5 मिनट पहले फोन करने का था ना, लेट कर दिया। इसका मतलब तू मेरा पूरा मुर्गा खा गया? भूख लगती है तो पेट भर खाता। तुझे जेल में ले जाकर दंता घुसा कर तेरा पेट ही फोड़ दूंगा। अरे चुप, सरकारी नेवले। हेलो, मुझे पहचाना? छोकरी का दीवाना। यस, पर अभी तक कोई छोकरी नहीं पती, जबकि मैं जींस पैंट पहनता हूँ। इन कपड़ों से क्या होता? तो आप ही बता दो मैडम जी, क्या पहनूं जिससे 10-20 गर्लफ्रेंड बन जाए? साड़ी साड़ी पहन के साड़ी। हट, बुर्बा कू क्या, जो साड़ी पहनूंगा कुछ और आइडिया दो जिससे लड़के लोग मुझे घूरे। छोटे छोटे स्कर्ट भी जो पहन के आए तो घूरे। छोटे छोटे स्कर्ट पहन लिया तो बंदरिया लगूंगा, छोकरी क्या छोकरा बुढ़ा बुढ़िया सब घूरेगा। बोलेगा या बोलेगा साला? मैं तो जैस बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। ओ सॉरी, सुन ये वर्दी मेरा ब्रांड है, ब्रांड। ये खून ही है मेरा ब्रांड। अच्छा शेरीलाल, तू मेटने सेट करेगा कि सारा खून निकल जाएगा? लेकिन आज मैं झुकेगा नहीं। नहीं झुकेगा तो इंस्पेक्टर शेरीलाल का तारीफ कर। सर भूतनी के, अबे सड़े ले। हराम खोर, पुलिस का इंसल्ट करता है, डर नहीं लगता है, और ये लंगा क्यों हो गया तू? मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊँ ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे। और मैं निकल गया बिना वर्दी के लंगा पुंगा तो कौन पहचानेगा तेरे को? एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। कुत्ता को देखकर मैं तो खुद भाग जाता हूँ, ये वर्दी मेरा ब्रांड है, मैं इसे नहीं उतारूंगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। ए पुष्पा ज्यादा बोल रहा है,
सेडीलाल तुमने इतने सेट कर गया, इतने सेट कर गया, इतने सेट कर गया। सरकारी नेवले। इसके शिवल्ली गाने ने तो दुनिया भर में धूम मचाई है। आम पब्लिक से लेकर सोशल इन्फ्लुएंसर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक सब इस गाने पर रील्स बना चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 5 विदेशी लोग जिनके रील्स बहुत ज्यादा वायरल हुए। दोस्तों, इन पोर्तुगीज बाप बेटी ने श्रीवल्ली गाने पर धमाल मचा दी। उन्होंने अल्लू अर्जुन का स्टेप्स तो किया ही, लेकिन अपने खुद के कुछ स्टेप्स भी इस गाने में शामिल किए। इंस्टाग्राम पर इनके इस वीडियो को 40 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। और जो गर्विदा है उसको ताने दो। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर डेविड वार्नर बॉलीवुड के गानों पर रील्स बनाते रहता है। इंडिया से उसका लगाव देखते हुए अक्सर उसके फैंस उसे आधा इंडियन बुलाते हैं। श्रीवल्ली गाने पर उसकी रील बेहद वायरल हुई। खुद अल्लू अर्जुन ने कमेंट करके इसकी तारीफ की। दोस्तों, फ्रांस के जिका ने जब श्रीवल्ली पे डांस किया तो वो इंडिया में बहुत ज्यादा वायरल हुआ। उसके देसी ठुमके लाखों लोगों को बहुत पसंद आए। ये क्लिप आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हाल ही में अमेरिका के रिकी पॉन्ड ने भी इस गाने पर रील बनाई थी। इनको डांसिंग डैड के नाम से भी जाना जाता है। 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। इसमें रिकी पॉन्ड बर्फ से ढके रोड पर डांस करते हुए दिखाई देते हैं। वियना शहर के पेमा भुला का डांस आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। उसे पुष्पा फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई और फिर उसके डांस का अंदाज सभी लोगों को भा गया। दोस्तों, किली पॉल को कौन नहीं जानता। तांजानिया का ये डांसर कई बॉलीवुड गानों पर डांस कर चुका है। उसने पुष्पा का डांस भी काफी बेहतर ढंग से किया। डायरेक्टर आनंद राय ने भी उसके वीडियो पर कमेंट करके उसकी सराहना की। दोस्तों, अल्लू अर्जुन का ओरिजिनल स्टाइल भले ही गिने चुने लोगों को आता हो, लेकिन इन्हें देखने